शिक्षक वृत्ति लिखित परीक्षा की सीरीज में 50 नंबर की सीरीज आपके साथ लाइव है, जहां पर हम जीएस जीके करेंट विविध रीजनिंग समसामयिकी और के साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्यूटर सामान्य विज्ञान इन सभी की स्पेशल सीरीज हम आपके लिए लेकर आए। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है, बनने के अगर पढ़ रहे हैं, इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहेगा, क्योंकि हम केवल प्रश्नों का उत्तर ही नहीं बताएंगे बल्कि इसकी जितनी आपको जरूरत होगी, जितनी आपकी आवश्यकता होगी, उतने से ज़्यादा हम प्रश्नों को व्याख्या करके आपको बताएंगे। क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा मानव जाति के इतिहास में दूसरी महत्वपूर्ण खोज इसे माना जाता है। लोहा, तांबा, चांदी, सोना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जल्दी बताइए फटाफट, मानव जाति के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी खोज क्या मानी जाती है? पहली खोज क्या थी बताइए जल्दी से कमेंट करके, पहली खोज क्या थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा, तांबा जो थी ये मानव जाति की पहली सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा है दूसरी खोज क्या है, जी हाँ, दूसरी खोज अगर पूछ देगा आयरन है, आयरन अर्थात लोहा, तो जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। ये आजकल ट्रेंडिंग सवाल, अगर आप परीक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यकीनन इस प्रश्न सीरीज से बहुत सारे सवाल आपको हूबहू मिल जाएंगे। भारत के प्रतीक के आधार पर पट्टी के नीचे उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ लिखे हैं? रामायण, मुंडक उपनिषद, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण। वैसे मैं इसको और अच्छे से व्याख्या करके बताता, लेकिन हम इस सीरीज में कम बताने का प्रयास करेंगे कि जब हम आधुनिक भारत प्राचीन इतिहास की सीरीज जब हम पढ़ाएंगे तब वहाँ पे और अच्छे से इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है? तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या है, जितने लोग भी देख रहे हैं। देखिए, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। काफ़ी यूनिक सवाल है, जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। यह बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग सवाल हम कह सकते हैं, जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने यार वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, चाहे फेसबुक पर चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी आप देख रहे हैं। डेली क्लास के टाइम आप लोग को पता है, फिर भी आप लोग लेट कर रहे हैं। आप लोग को डेली टाइम से लाइव आ जाना चाहिए, और अगर आप मुझे बताना पड़ रहा है क्लास के लिए, तब तो यार कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई है। चलिए, यहाँ पर हमने देखा प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय को निम्न में से किसने पराजित किया था? काफ़ी ट्रेंडिंग सवाल ये भी है, तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि पुलकेशिन द्वितीय को निम्न में से किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन, नरसिंह वर्मन, ध्रुवसेन, शशांक ने, किसने किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, बताइए सभी लोग फटाफट वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। वीडियो फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर आपको निःशुल्क लाइव चल रही है, और ई लर्निंग पर दुर्गेश का ऐप पर आपको मिलेगा। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जी हाँ, याद रहे पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था। इसी विजय के बाद उसे वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? याद रहे उसने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, बड़ी परीक्षाओं में, सिविल की परीक्षाओं में सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि वातापी कोड उपाधि कब किसने धारण किया था? नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद धारण किया था। अगला सवाल है कि अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री का प्रधान कौन होता था? दीवान बख्शी, मीर बख्शी, मीर संबंध। सभी लोग फटाफट कॉमेंट करके बताएं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक सवाल आ रहा है कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, नरसिंह वर्मन ने ना, हर्षवर्धन ने पुलकेशिन को, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कुछ लोग इसका उत्तर ये बता रहे हैं हम, जैसे कि हर्षवर्धन ने, एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा अगर आप लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर होगा मीर बख्शी। क्या होगा? मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा प्राप्त जो मिलिट्री का प्रधान होता था वो मीर बख्शी हुआ करता था, ठीक है? ये मिलिट्री विभाग का प्रधान मीर बख्शी था। क्या था? मीर बख्शी था। याद रहे मिलिट्री का प्रधान जो था वह मान्यता प्राप्त वह मीर बख्शी था, ठीक है? आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा जिनको थोड़ा सा अपडाउन लग रहा है कोई भी प्रश्न का उत्तर, और फिर भी नहीं होगा तो हम बाद में कमेंट सेक्शन में आपका देख लेंगे। अगला है, निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों से जोड़िए। पहला है हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये 1576 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1576 में। अगर हम बात करें कि बक्सर का युद्ध, तो 1764 में हुआ था। फिर राजस्थान में अगर देखा जाए कि भाई राजस्थान की बात है तो हल्दी घाटी हो गया। अब यहाँ पर है राजस्थान हो गया, हल्दी घाटी हो गया, अच्छा
अच्छा ठीक, पानीपत हो गया, पानीपत का 1526 हो गया, 1526। प्लासी की बात करें तो जो प्लासी की युद्ध हुई थी 1757 में हुआ था, 1757। अब आइए बात करते हैं जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, ये राणा प्रताप और मुगल के बीच में हुआ था राजस्थान में, मतलब यह इसका ए से मिलान कर देते हैं। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, पानीपत, मतलब ये हो गया आपका बी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपका बी हो गया। बिहार में, बिहार क्या है, 1764 में बक्सर के युद्ध लड़ा गया था, किसका, बक्सर के युद्ध, मतलब यहाँ पर सी हो गया। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या है आपकी प्लासी है, प्लासी क्या हुआ 1757 में लड़ा गया था, याद रहे ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था, 1757, ठीक है, प्लासी में आधा प ल सी, प्लासी में 1757 है, बक्सर अगर आप देखेंगे तो बक्सर 1764 है, ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, चलिए यहाँ पल्लवी नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, उसका जवाब मैंने दिया है। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें, इसका उत्तर क्या होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, यहाँ पर इसका उत्तर क्या है, ए ही आपका सही है, ठीक है। यहाँ तक किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट करके पूछ ले, ठीक, मुझे नहीं लगता यहाँ से अब आपके मन में कहीं दिक्कत या कोई समस्या आने वाली है। अगला सवाल आपके बीच है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शाहजहां, ये काफी यूनिक सवाल है जो परीक्षा में पूछा जा रहा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करते जाएं, जवाब देते जाएं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सब तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं, फटाफट कमेंट करके बताते रहिएगा। देखिए, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, सभी लोगों ने सही जवाब दिया, काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, बस ऐसे ही रेस में बने रहिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शाहजहां, मतलब डी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है, क्या होगा, शाहजहां, ध्यान रहे, शाहजहां, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के शासनकाल में सबसे अधिक उन्नति वास्तुकला मुगल का स्वर्ण युग कहलाता है, याद रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाहजहां के शासनकाल में सबसे ज्यादा वास्तुकला अग्रसर रही थी, इसलिए मुगल काल का इसे स्वर्ण युग कहते हैं, क्या कहते हैं, मुगल का स्वर्ण युग कहते हैं स्थापत्य कला का शाहजहां के काल को, ठीक है, याद रहे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कांग्रेस का पहला विभाजन कहां हुआ था, सूरत, कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास, कहां पे हुआ था, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं, पैसा नहीं कटेगा आपका, लोगों तक पहुंचाइए, ये ऐसे एवरग्रीन प्रश्न है जो आपकी भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बताइए, आप लोग लाइक तक नहीं किए हैं, हद है, चलिए कोई बात नहीं। जस करनी शुभोगोदाता नरक जात तो की उपस्थाता, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ पर हुआ था, याद रहे कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ था। जी हाँ, 1907 में किस अधिवेशन में हुआ था, तो सूरत के अधिवेशन में हुआ था, कहाँ पे, सूरत के अधिवेशन में हुआ था, रट लीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। बंगाल विभाजन कहाँ हुआ था, कॉमेंट करके बताइएगा कि बंगाल विभाजन कहाँ हुआ था, बंगाल विभाजन ही हमने पढ़ाया हुआ है, बंगाल विभाजन कब किसके समय में हुआ था, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, कहने से नहीं आपकी मेहनत करने से होगी। अगला सवाल है, बेसिन की जो संधि 1802 में किसके बीच हुई थी, सभी लोग बताइए, अंग्रेज और निजाम के बीच, अंग्रेज मैसूर के बीच, अंग्रेज सिख के बीच, अंग्रेज मराठा के बीच, किसके बीच हुई थी, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ, बेसिन की जो संधि हुई थी वह अंग्रेज और पेशवा के साथ हुई थी, मराठों के पेशवा के साथ हुई थी। जी हाँ, इसमें पेशवा की बात करें तो बाजीराव, याद रहे यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, याद रहे भारत में डाक, तार, रेलवे, लाइट डलहौजी, रट लीजिएगा, परीक्षा में आज सवाल आते हैं, डाक, तार, रेलवे, लाइट डलहौजी। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, अब की बार एक सीट हमार, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, देखिए भारत में लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में, जी हाँ 1854 माने डी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है, किसने, लॉर्ड डलहौजी के समय डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 में, रट लीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी, डाक, तार, रेलवे का जनक भारत में लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अगला है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम उसके उद्भव के स्थान के आधार पर पड़ा है। जी हाँ, देखिए शास्त्रीय नृत्य से भी आपके सवाल आते हैं, लेकिन हम चाहेंगे इस प्रश्न का सभी लोग जवाब दें। मणिपुरी, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे। बताइए जल्दी जल्दी, और आप लोग की जो स्पेशल सीरीज चल रही है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिए, चीज़ों को पढ़िए और अपने आप में एक एक कदम आगे चलते रहिए। और ऐसे ही हम जल्द ही आप लोग के लिए और भी सीरीजें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फटाफट कॉमेंट करिएगा। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया है, एकदम सही पढ़ रहे हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का नाम उसके उद्भव स्थान के नाम पर पड़ा है। और याद रहे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। यह देवताओं को समर्पित नृत्य है। कुछ लोगों ने इसका उत्तर ओडिसी मणिपुरी बताया है, यह दोनों गलत है। याद रखिएगा कुचिपुड़ी यह देवताओं को समर्पित एक नृत्य है। कौन से नृत्य है? यह शास्त्रीय नृत्य है। यह परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। यह भी गलत है, कथकली भी गलत है, कथकली भी गलत है। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर कुचिपुड़ी होगा। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके उद्भव स्थान के नाम पर कुचिपुड़ी पड़ा है। ठीक है, परीक्षा में गलती मत करिएगा, यहाँ लाख गलतियाँ आपकी स्वीकार हैं। अगला, दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? शिखर, गर्भगिरी, गोपुरम, प्राकार, क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, किसकी बात हो रही है? आप अपनी नौकरी की तरफ बढ़ते रहिए। जी हाँ, उसे गोपुरम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सभी के जवाब सही हैं। बस परीक्षा में यह जुनून बरकरार रखिएगा, यह मेहनत बरकरार रखिएगा, सिलेक्शन आपके कदमों में होगी मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा, किस भारतीय भाषा को इटालियन अपशिष्ट कहते हैं? उर्दू, तमिल, तेलुगु, उड़िया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें ज़्यादा व्याख्या नहीं करना है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा आप जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग इटालियन अपशिष्ट कहते हैं, उर्दू, तमिल, तेलुगु, ओडिशा, किसको कहते हैं? कॉमेंट करिए, जवाब दीजिए, माननीय परीक्षा हाल में बैठे हैं। जी हाँ, तमिल, जी हाँ, तमिल भाषा। आप तमिल रामायण के लेखक कौन हैं? कमेंट करके बताइएगा। तमिल रामायण के लेखक कौन हैं? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? जी हाँ, बनियों का देश किसने कहा था? सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु, नेपोलियन, किसने कहा था? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, एकदम रटने वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले बताइए किसने कहा था? तो सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था। किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जी हाँ, ऐसे ही जोश बनाए रखिएगा, ऐसे ही सीरीज को बढ़ते रहिएगा। सरकारी शिक्षक बनना है तो यह आपके लिए हर एक प्रश्न आपके न्यू की वो मजबूत पत्थर बनती जाएगी जो आपके सफलता के इमारत खड़ी करेगी। बस अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा दो बार। लेकिन अगर मैं यहाँ से पूछूँ कि अमेरिका का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो तीन बार बना था, अमेरिका का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो तीन बार बना था, तो वह है आपका रूजवेल्ट। यह अपवाद है, जी हाँ, यह अपवाद है। इसके बारे में कभी हम आपके सामने जब सीरीज पढ़ाएंगे तो मैं वहाँ पे बताऊँगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था रूजवेल्ट, क्या ऐसा कारण था तीन बार बने, केवल रूजवेल्ट अपवाद है, स्टाल लगा के शर्तें लागू। लेकिन ऐसे नियम कितनी है? दो बार, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। जी हाँ, सी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है, सी वाला। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, रूजवेल्ट एक ऐसे व्यक्ति है जो केवल तीन बार बने, उसका कंडीशन था, टर्म्स एंड कंडीशन था। अगला है कि ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ? ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ, बताइए सभी लोग। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो भैया घर बैठे आप सभी लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।
ई लर्निंग विद दुर्गेश का सभी नोट्स आपको लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क उपलब्ध है, ठीक है। बताइए ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ, बताइए सभी लोग। देखिए यहां पर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 1215 में, एकदम सही जवाब आप लोगों ने बताया, इंग्लैंड के राजा, ठीक है, इंग्लैंड के जो राजा थे जॉन द्वितीय, कौन थे उस समय, जॉन द्वितीय ने 1215 में एक प्रलेख पर हस्ताक्षर किया जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता, राजनीतिक आजादी का अधिकार दिया गया। अगला मेरा सवाल है आपसे, ठीक है, एक अगला सवाल मेरा आप सभी से है कि भारत में भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो भाग 3 को, मूलाधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पे व्यक्ति के अधिकारों की बात की गई है, उसके फंडामेंटल राइट की बात की गई है, इसलिए भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला सवाल, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा जवाब दीजिएगा, ईटानगर, मासिनराम, चेरापूंजी, तेजपुर, बताइए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर मासिनराम, बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बस यही स्पीड बरकरार रखिएगा, लेकिन एक कमी है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, यकीनन आप शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, आपके बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में हूबहू यही मिल जाएंगे, बस लोगों तक पहुँचाइए, लाइक कर दीजिए, जो देख रहे हैं उतना तो करिए। अगला सवाल आपका है कि भारत में जहां पर क्रमशः तांबा, सोना, लोहा और कोयला पाया जाता है उनके नाम आपको बताना है, तो चलिए मैं यहां पे मैं आपका समय नहीं लूंगा, अगर आप बताना चाहें तो बताएं, वरना हम आपको सीरीज के बारे में जरूर बताएंगे, बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। देखिए तांबा की बात करें तो जो तांबा है आपका ये खेतड़ी में है। चलिए यहां पर एक सवाल आया है कि भैया, ठीक है, यहाँ पे आया है कि जैसे किसी ने क्या पूछा, सवाल ऊपर चला गया आपका, तेजपुर कहाँ पर है, एक सवाल आया है कि तेजपुर कहाँ पे है, तो जल्दी से कोई बता दे भैया तेजपुर कहाँ पर है, नहीं बताना है तो हम तो बताएंगे ही, सभी लोग बताइए। देखिए यहाँ पे तांबा तो खेतड़ी के लिए हो जाता है, सोना भारत में अगर देखा जाए तो कोलार की खान प्रसिद्ध है, लोहे की बात करेंगे तो कुदेरेमुख है, जी हाँ कुदेरेमुख, अगर हम कोयला की बात करें तो भैया झरिया प्रसिद्ध है, जी हाँ। अब आप बताइए निम्नलिखित में से क्या प्रश्न इसका होगा, अरे तेजपुर असम में है, तेजपुर कहाँ पर है, असम में है, ठीक है सही जवाब है आपका, किसी ने दे दिया है, अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ओ सॉरी, शायद कट गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर होगा खेतड़ी तांबा, कोलार सोना, कुदेरमुख लोहा, झरिया कोयला, मतलब इस प्रश्न का उत्तर डी है, जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। कुदेरमुख कहाँ पर है कमेंट करिएगा, कोलार कहाँ पर है कमेंट करिएगा, खेतड़ी कहाँ पर है, झरिया कहाँ पर है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाओगे किस किस राज्य में है, अधिकतम लंबाई वाले सड़कें किस राज्य में है, यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पर पक्की और कच्ची नहीं पूछा है, इसलिए जब कच्ची और पक्की नहीं पूछेगा तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अधिकतम सड़कें महाराष्ट्र में है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, कच्ची सड़कें पूछता तब उत्तर प्रदेश हो जाता। अगला सवाल आप सबके बीच में है, लीजिए थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो चारों प्रश्न आ जाएंगे, यहाँ पे है कि दुनिया का सबसे अंतर्देशीय समुद्र कौन सा है, डेड सी, काला सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर, बताइए जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पे याद रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा
अंतर्देशीय समुद्र कौन सा है? एकदम सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, कैस्पियन सागर। डी वालों का जवाब सही है, यह ईरान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान से घिरा हुआ है। ये 5 देशों से घिरा हुआ है जिसमें अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और ईरान है। कौन सा देश मानसूनी जलवायु क्षेत्र में नहीं पड़ता? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। कौन सा देश मानसूनी जलवायु क्षेत्र में नहीं पड़ता? सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और डेली क्लास में समय से आप लोग लाइव आया करिए। देखिए, याद रहे भारत मानसूनी क्षेत्र के जलवायु है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लेकिन जापान नहीं है, क्योंकि यह सीधा सीधा किस महासागर के तट पर है? कमेंट करके बताइएगा। यह रिंग ऑफ फायर पर है, यह द्वीपों में बसा एक देश है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। दूसरा मेरा सवाल आप सभी से है कि जापान में शीतोष्ण समुद्री जलवायु पाई जाती है, और मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। अगला है, बुशमैन आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं? बुशमैन आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी भाग में, कालाहारी मरुस्थल, मिस्र के रेगिस्तान, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सभी साथी देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो है, जो बुशमैन है ये आदिवासी है, कहाँ के? ये कालाहारी के मरुस्थल में मिलते हैं। कहाँ के? कालाहारी मरुस्थल में मिलते हैं। मतलब जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, उन सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिंग ऑफ फायर क्या है? कमेंट करके जवाब देते रहिएगा। चलिए, अगला सवाल आपके सभी के सामने है, समोच्च रेखा का दूसरा नाम क्या है? समोच्च रेखा का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करके बताइएगा। आइसो पोटेशियल, आइसोथर्म, आइसोहिप्स, आइसोहाइट, क्या नाम है इसका? तो जो समोच्च रेखा को हम क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा। यह एक तरह से अगर लगातार प्रश्न पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। देखिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर है। आप लोग जो नोट्स के चाहते हैं अगर आप घर बैठे प्राप्त करना, तो भैया इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी लीजिए, या तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर है मेरी क्लास, निःशुल्क, देशित में, राष्ट्रित में है। देखिए, आइसोहिप से होता है, या ये रेखाएं समान उच्चावच को प्रदर्शित करती हैं। अब प्रश्न आता है, ये उच्चावच क्या होता है? यहाँ उच्चावच माने किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के ऊंचाई और नीचे वाले स्थान को जो डिफरेंस होता है उसे हम उच्चावच कहते हैं। विली विली का तात्पर्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रहे। आइए हम यहाँ पे एक चीज आपको बता दें। देखिए, चक्रवात किसे कहते हैं? चक्रवात के बारे में याद रखिए, जैसे ये चक्रवात है ना, इस चक्रवात में कुछ चीजें याद रखिएगा। नीचे यहाँ बीच में एचपी होता है, एलपी होता है, क्या होता है? एलपी होता है, लो प्रेशर, और बाहर क्या होता है? एचपी होता है, हाई प्रेशर। हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, और चक्रवात के जो बीच में होता है उसे चक्रवात की चच्छू या चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात चलता है वो वामावर्त चलता है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चलता है। मतलब इसे हम एंटी क्लॉकवाइज माने एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात क्लॉकवाइज चलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, माने घड़ी की दिशा में चक्रवात जो चलता है, घड़ी की सुई की दिशा में, वो दक्षिणी गोलार्ध में चलता है, और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू ये पूछा जाता है कि चक्रवात जो गोल गोल घूमता है उसकी साइज किधर से किधर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर अब प्रश्न नंबर 23 का जवाब क्या होगा? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पास उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसे हम विली विली के नाम से जानते हैं। जापान में इसे क्या कहते हैं? जरा कमेंट करके बताइएगा कि जापान में चक्रवात को क्या नाम से जानते हैं। जी हाँ, उसे टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफू के नाम से जानते हैं। इन तूफानों के नाम उनके प्रदेश की भिन्नता के आधार पर एक ही विशेषता होती है, फिर भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसलिए जैसे आपने आटा सान लिया, आटा सानने के बाद अगर उसे गोला बना दिया उसका नाम बट्टी हो गया, बेल के बड़ा कर दिया रोटी हो गया, अगर उसे तेल में डाल दिया तो पूड़ी हो गया, मोटा कर दिया तो कचौड़ी हो गया, और उसको डबल कर दिया तो पराठा हो गया। इस प्रकार एक ही आटे से कई नाम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो तूफान होते हैं वह प्रदेश की भिन्नता के आधार पर उनके
क्षेत्र के भिन्नता के आधार पर उनके अलग अलग नामकरण होते हैं। जब विश्व भूगोल हम पढ़ाएंगे आपको, या तो ऑप्शनल के लिए भी पढ़ाएं, मैं वहाँ पे बताऊंगा, नामकरण के लिए भी अलग अलग देश सामने आते हैं, उनका क्रम होता है, उस क्रम के आधार पर उनका नामकरण होता है। ठीक है जी। हाँ, हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? आइए दो बातें बता देते हैं। भूकंप के बारे में दो चीजें हैं, एक इसकी तरंग और दूसरा तीव्रता। ठीक है, दो प्रश्न आज परीक्षा में पूछा जाता है। अगर तरंग की बात करेगा तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। ठीक है, लेकिन तीव्रता की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? रिएक्टर स्केल। ठीक है, तो जो तरंग नापी जाती है वो सिस्मोग्राफ से और तीव्रता रिएक्टर स्केल से। इसका जो पुराना पैमाना था मरकरी, मरकेली स्केल, ये पुराना है। ये क्या है? ये पुराना पैमाना था। तो याद रहे रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, ये हो गया भूकंप की तीव्रता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, चलिए यहां पर ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप सभी का। ठीक है, याद रहे ये ताप मापने के लिए क्या है, गहराई मापने के लिए, वायु की गति मापने के लिए, ये मैंने सभी पढ़ाया है। अगर आप रेगुलर क्लास में होंगे तो यकीनन आप सवाल को कर लेंगे। जी हाँ, एक दो दिन में मॉडल पेपर जारी हो जाएंगे T2 जी, कल एक दो दिन में मॉडल पेपर जारी करा देंगे, आपकी बात रखी जाएगी पूरी पूरी। ठीक है, आइए हम लोग पहले सवाल हल कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं। कोई भी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद में भाग लेता है, वह कौन है? कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। सभी लोग फटाफट बताइएगा। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया, यहाँ पे कोई भी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद में भाग लेता है। यहाँ पे कुछ लोग उपराष्ट्रपति बता रहे हैं, लेकिन ये केवल राज्यसभा में है, राज्यसभा में। लेकिन प्रश्न जो पूछा है वो संसद पूछा है, इसलिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, इस प्रश्न का उत्तर होगा महान न्यायवादी। ए वालों के जवाब सही होंगे, न कि सी वालों के। यह राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उसकी अध्यक्षता करता है, उसका पदेन सभापति होता है आर्टिकल 63 के अनुसार, माने अनुच्छेद 63 के अनुसार। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, भारत का महान न्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की सदस्यता में भाग ले सकता है, बोल सकता है, कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। अब हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, किसी व्यक्ति को प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। जल्दी से बताइएगा, किस व्यक्ति ने पहली बार एक कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? पहली बात तो याद रखिएगा, हमारे देश में कार्यकारी प्रधानमंत्री का कोई पद ही नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो थोड़े कम समय के लिए प्रधानमंत्री के दायित्व को के संभालने के लिए जो बहुमत दल के नेता में किसी एक व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया जाता है, हम उसे कार्यकारी प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन संविधान में इसका कोई भी शब्दावली नहीं है, लेकिन याद रहे व्यवहार में हम ये मान लेते हैं कि कुछ दिनों के लिए यह कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यह व्यवहार में होता है, कहीं संविधान में इसका जिक्र नहीं है। अब ये मत कहिएगा कि दुर्गेश सर आपने तो पढ़ा दिया, हमने डीडी बसु को पढ़ा है, हमने एम लक्ष्मीकांत को पढ़ा है। तो याद रहे हमने भी पढ़ा है, सुभाष कश्यप को पढ़ा है, जितनी भी मार्गदर्शक किताबें हमने भी पढ़ा है। याद रहे यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा होगा जी। यहाँ पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं। कारण मैं बताऊंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के बाद इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में जो एक व्यक्ति आता है उसका नाम है गुलजारी लाल नंदा। इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे गुलजारी लाल नंदा यहाँ पे उप प्रधानमंत्री नहीं कहा है, उप प्रधानमंत्री की बात नहीं हुई है, इसलिए इस बात को याद रखिएगा। अगर उप प्रधानमंत्री कहता तब सरदार वल्लभ भाई पटेल होता। ठीक है, और प्रधानमंत्री का भी कोई पद नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये चीजें जानते रहिएगा, सिलेक्शन में बहुत ज्यादा आपको सहयोग करेंगी। ज्ञान आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बाकी क्लास से बाहर कोई प्रश्न पूछना हो तो संडे स्पेशल लाइव में आइएगा। बाकी किसी जवाब के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अन्य किसी प्रश्न का कोई जवाब नहीं है सिवाय अब की बार एक सीट हमार। अगला आपके सामने सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 क्या है? लगातार हमारी सीरीज पढ़ रहे होंगे, आप इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। अनुच्छेद 368 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल।
संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन क्या है, वित्त आयोग 280, आपात उपबंध 352, 356, 360, निर्वाचन आयोग 324, ठीक है। लेकिन संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है ये ए में है, यह है इस प्रश्न का उत्तर ए 368 है, ठीक है। देखिए डिप्टी सीएम हो या डिप्टी प्रधान प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा कोई पद भारतीय संविधान में नहीं है। मैं आगे बताऊंगा पढ़ाऊंगा वो पद किस लिए दिया जाता है। वह ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन हम आगे बताएंगे, वह एक कह सकते हैं कि जान दीजिए क्योंकि ये लाइव सेशन में नहीं कहा जा सकता। भारतीय संविधान में जो पदावली की व्यवस्था की गई है वो पद संतुष्टि का पद एक तरह से मान सकते हैं बस। समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है, राष्ट्रीय आय, औसत प्रति व्यक्ति आय, आयात निर्यात निर्बाध, फटाफट कमेंट करिए भैया, सिलेक्शन लेना है आपको और ऐसे ही करेंगे। कोई कमेंट ऐसा आप लोग करते रहिए, अगर मेरे काम परीक्षा से क्लास से रिलेटेड होगा जवाब मिलेगा, क्लास से संबंधित नहीं है कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सरकारी शिक्षक बनने के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आप लोग बाद में प्रयास करिएगा। समृद्धि का सभी अच्छा मापदंड क्या है, 28 बताइए जब भी लोग। देखिए औसत प्रति व्यक्ति आय, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक दो परिवार लेते हैं, दो परिवार, एक परिवार है और एक परिवार यहाँ लेते हैं, चार सदस्य हैं, इसमें सभी बेरोजगार हैं और एक बेचारा पिताजी कमाता है और एक इनकी वाइफ, दो बच्चे पढ़ते हैं, बीटीसी बीएड कर रहे हैं, इनकी मासिक इनकम 10,000 है, तो प्रति व्यक्ति इनकम क्या हो जाएगी, 10,000 में चार लोग को डिवाइड करेंगे तो 2500 रुपया होगी। यहाँ पे दो मास्टर हैं माने 50,000 और 50,000, 1,00,000 रुपया आता है और 1,00,000 रुपये को चार भागों में बांटेंगे तो 25,000 रुपया हो जाएगा। तो बताइए प्रति व्यक्ति इनकम किसकी ज़्यादा होगी, इनकी ज़्यादा होगी, तो इनका समृद्धि किसका ज़्यादा होगा, जिसकी प्रति कैपिटल इनकम ज़्यादा होगी, माने इनकी रहन सहन की व्यवस्था ज़्यादा होगी, इसलिए औसत प्रति व्यक्ति आय जो होती है जिसका ज़्यादा होगा उसके समृद्धि स्तर क्या होगा, ज़्यादा होगा, यह बात याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए एक सवाल आ रहा है शैलेश जी का, मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। देखिए डिप्टी सीएम का पद हो सकता है, ठीक है, और उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद है, लेकिन वह पद संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है और भारतीय संविधान में नहीं था, लेकिन अब वो कैबिनेट का एक दर्जा है, उसे कैबिनेट मंत्री कहते हैं, बुलाने के लिए हम उसे उप मुख्यमंत्री के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ दो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा उन चीज़ों पर डिस्कस बाद में कर लेंगे, अभी वो डिस्कस का विषय नहीं है, भारतीय संविधान का हिस्सा है, मैंने पढ़ाया है, जाके कभी वीडियो को प्ले करिएगा, स्पष्ट रूप से मैंने बताया है क्या क्या कंडीशन है, कब कब बनाया जाता है। अगर मुख्यमंत्री पद से अपने त्याग पत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाता है, अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाता है, ऐसा नहीं है। उप प्रधानमंत्री उनके मंत्री प्रधानमंत्री कृत्यों का निर्वहन कर सके, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, बिक्री कर, स्टेट गवर्नमेंट, आयकर, स्टेट गवर्नमेंट, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, चुंगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जो बिक्री कर होता है वो किससे, यार आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, यार पैसा नहीं करता मेरे साथियों, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बिक्री कर स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन जो आयकर होता है ये केंद्र सरकार का होता है, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार सही है, चुंगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सही है, चुंगी ये राज्य सरकार का ही कर होता है, अगर पूछ लिया जाए राज्य सरकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछ लिया जाए ना, ये डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, चुंगी डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, यहां पर कोई सवाल नहीं है ना। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग नहीं है, ध्यान रहे कौन सा नहीं है, बताइए। आप लाइक करेंगे मुझे पैसा नहीं मिलेगा, वीडियो शेयर करेंगे मुझे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है किसी का भला हो जाएगा और बाद में कोई वीडियो देखेगा उसको भी लगेगा सर ठीक ठाक पढ़ाए हैं, लोगों ने लाइक किया, क्योंकि यहाँ लाइक करने वालों की संख्या ज़्यादा है। अच्छी मुद्रा बुरे मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, तो हो सकता है कुछ ऐसे समाज में लोग हों जो हम जैसे लोगों को भी निस्तय नाबूद ना कर दे, तो आप जैसे लोग की वजह से ही अच्छे लोग रुकेंगे, टिकेंगे, पढ़ाएंगे और आपको सरकारी शिक्षक बनाने तक अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे, ठीक है। बताइए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर होगा जनरल असेंबली, ट्रस्टशिप काउंसिल,
सिक्योरिटी काउंसिल, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे मुख्य अंग पूछा है, टाइपिंग में इरर है, मुख्य अंग नहीं है, ठीक है। हम चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से G8 राष्ट्रों का सदस्य नहीं है, बताइए कौन नहीं है। देखिए अगर इसमें देखा जाए तो इसकी स्थापना 22, आप लोग बताते रहिए, सितंबर 1985 में की गई थी। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। सभी लोग लिख लीजिएगा कहाँ पे की गई थी, न्यूयॉर्क में की गई थी, ठीक है। यहाँ पर इसमें अगर देश देखा जाए तो USA है, USA अमेरिका हो गया, फिर ब्रिटेन है आपका, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा है, रशिया है, जर्मनी जापान दोनों है, इटली है, ये मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, फ्रांस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। इसमें बताइए क्या नहीं है। स्पेन नहीं है, रूस है, ब्रिटेन है, कनाडा है, USA है, जर्मनी जापान इटली फ्रांस है, ठीक है। चलते हैं और अगले प्रश्न। टाइमिंग क्लास की पता है सबको ना, टेली टाइम से लाइव आया करिए। अगला आपके सामने है, एक लेखक ने सर रत्नाकर नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसमें उसने अयस्कों से धातु से निष्कर्षण के विषय में लिखा। उसने आयुर्वेद पर अल्टरनातर आरोग्य मंजरी नाम की पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? चरक, कणाद, नागसेन, नागार्जुन, बताइए। देखिए सर रत्नाकर अल्टारांतरण आरोग्य मंजरी किसके द्वारा लिखी गई? बताइए से पहले फटाफट कमेंट करके। किसी का भी कोई सवाल हो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे चलते हुए क्लास में। टॉपिक के बाद अलावा कोई सवाल का जवाब नहीं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नागसेन, सी वालों के जवाब सही है, नागसेन। द पियानो टीचर के लेखक कौन है? एलन हालिगस्ट, बंगारी मथाई, एल्फ्रिड जेनिनेक। जी हाँ, अल्फ्रेड जेनिनेक, सी वालों के जवाब सही हैं, ठीक है। क्या होगा, सी सही जवाब है। चलिए टाइप करके आपके सवाल का जवाब मिल गया। चलिए अगला सवाल है, सरोजिनी नायडू ने किसने हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया था? ठीक, टाइप करके जवाब आपको मिल गया है, सरोजिनी नायडू को किसने हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में किया? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मौलाना आजाद कलाम, अब्दुल गफ्फार खां। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? यह आधुनिक भारत के इतिहास का सवाल है यार, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ट्रेंडिंग सवाल है, ठीक। यहां पे याद रहे सभी लोग, मोहम्मद अली जिन्ना याद रहे, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में कहा था। अगला, महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसने किसे कहा जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल गोखले। महात्मा गांधी से भी आपके परीक्षा सवाल आने एकदम तय हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरकारी शिक्षक बनने में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, बताइए फटाफट कमेंट करके। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सी वालों के जवाब सही हैं, ठीक है। किसे जी, देखिए सवाल हमें आपको जवाब देने में दिक्कत नहीं है, अगर हम सबके सवाल के जवाब देने लगे, बहुत सारे सवाल होते हैं और आपको सिलेक्शन फोकस करना है, सबको सरकारी नौकरी करनी है, अपना बेस्ट देना है, तो हम नहीं चाहते कि हम किसी अदर टॉपिक पर अपना ध्यान भटकाएं। वैसे खुद ही मेरी क्लास इतनी बड़ी हो जाती है प्रश्न की व्याख्या करने में ही, तो फिर मैं और समय नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैं सवाल के जवाब देने से बचता हूँ। अगला सवाल आपके सामने,
निम्नलिखित में से कौन से दोनों नामों से संबंधित हैं? दोनों नामों से संबंधित है, गोल्फ पोलो, सासर फुटबॉल, बिलियर्ड स्कंस, बालो बाल फुटबॉल। देखिए ये सवाल कितना आपके लिए, पहली बार कितने लोगों ने सवाल सुना होगा, इस तरह के भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। सोचिए ये नए ट्रेंडिंग के सवाल है, ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कौन से दोनों नामों से संबंधित हैं? देखिए याद रहे, गोल्फ अलग खेल है, पोलो अलग खेल है, बिलियर्ड्स अलग है, स्कंस अलग है, बालोबाल अलग है, फुटबॉल अलग है, लेकिन सांसर और फुटबॉल एक ही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। अच्छा देखिए, अगर आप कोई स्टूडेंट अगर परेशान है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन क्लास के नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कर दीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। मैम आप लोग परेशान ना हो। ओलंपिक में प्रथम भारतीय क्वालिफाई करने वाला कौन है? ओलंपिक में प्रथम भारतीय क्वालिफाई करने वाला कौन था? सोचिए, ओलंपिक से सवाल ऐसे भी आते हैं। धावक थी, अब बताइए वो धावक थी क्वालिफायर में, वो धावक थी, अब बताइए धावक में कौन था वो? अरे पीटी उषा, नहीं जानते क्या इनके बारे में? इन्हें और किस नाम से जानते हैं? पीटी उषा। ठीक, इन्हें और किस नाम से जानते हैं? नवनिर्मित दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? सिकंदराबाद, मुंबई वीटी, नागपुर, हुबली, कहां पर है बताइए? कर्नाटक में है, कर्नाटक हुबली। इस रेलवे जोन के तीन मंडल हैं, इस रेलवे जोन के तीन मंडल भी हैं, अगर लिखना चाहें लिख लीजिएगा। पहला मंडल कौन सा है? हुबली हो गया। दूसरा मंडल क्या है? मैसूर है। तीसरा मंडल क्या है आपका? बंगलोर है, बंगलुरु है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन है। किसी देश की मुद्रा का नाम एन है? एन, रूस, पाकिस्तान, फ्रांस, जापान, भूटान, चारों पांच विकल्प आ गए, ये चार ही है। ठीक है, किस देश की मुद्रा का नाम एन है बताइए? जो सामने भर्ती हो पहले उसकी तैयारी करिए, अगर सिलेक्शन हो गया तो दी बेस्ट है, नहीं हुआ तो आप पहले से मजबूत रहेंगे, अगली भर्ती में और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जापान वालों का जवाब सही है। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है भैया, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सभी लोग। देखिए जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से है, वहाँ पे डाउनलोड करेंगे। शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, उसके साथ जितनी भी, चाहे टीचिंग एबिलिटी टेस्ट हो, सी टेट हो, एमपी टेट, यूके टेट, रीट, सभी के पेपर आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट की सीरीज जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, और जो सी टेट के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो भी आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर जल्दी अपडेट होने वाला है। मुझे लग रहा है अपडेट भी हो जाएगा पिछले एक दो दिन में। सी टेट के ऑनलाइन पेपर, जी हाँ, ऑनलाइन सीबीटी मॉडल पर उपलब्ध होगा ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। तो जितने साथी इंस्टॉल कर लेंगे, अपने सभी साथी की इंस्टॉल करवा देंगे। प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में स्थित है, पुरी, पचमारी, वाराणसी, एल्लोरा। देखिए यहाँ पे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये वाराणसी में, सॉरी कहाँ पर है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पर है? सी। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही जवाब है। सब लोग ऐप डाउनलोड करें ई लर्निंग विद दुर्गेश का, अपने सभी साथी मित्रों को डाउनलोड कराएं, पैसे नहीं कटेंगे आपके। करंट के नोट्स भी होंगे, सभी नोट्स वहाँ पर उपलब्ध होंगे। 26 नवंबर 2020 को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने इस दिवस को कब मनाने की घोषणा की? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया, इसे कब बताइए सभी लोग? यार लोगों तक पहुंचाइए, पैसे नहीं कटेंगे आपको। देखिए यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी साथी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर होगा 2015 से, कब से? 2015 से देश भर में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। इसी दिन भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को
हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू किया गया था, पूर्ण संविधान लागू किया गया था इस दिन, लेकिन अपनाया इसी दिन गया था। इसलिए 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। 19 नवंबर 2020 को 12वीं भारतीय यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता रेडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित की गई? सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, सभी लोग बताइए। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको ऐसे नहीं यहाँ पूछेंगे अगर परीक्षा में, तो मैं डेड वाइज नहीं पूछा जाएगा। मतलब भारत यूरोपीय संघ की जो आतंकवाद रोधी वार्ता थी 2020 में, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाती है। इसमें भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी और यूरोपियन जो पर्सनल थे एक्शन सर्विस की सुरक्षा नीति जोनेके बालकूट ने की थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। अगला है, हाल ही में किस देश के नेवी के द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता को अर्जित की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी विवादों में भी घिरा रहा। ये घटना कब होती है? ये 26 नवंबर 2020 की है। ये इलर्निंग विद दुर्गे से करंट अफेयर अगर आपने पूरा लगातार पढ़ा होगा तो आपको ये प्रश्न वहां पे जरूर मिला होगा। ये किसके द्वारा था बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। यह अमेरिका लोग जवाब सही है, वहां की नौसेना द्वारा अंतरिक्ष में ICBM को नष्ट किया, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यह परीक्षण अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस जॉनफिन द्वारा की गई थी। आइए अब यहां पर रीजनिंग के सवाल भी आपको हल करते हुए चलने हैं। चलिए अगला है, पीलिया का संबंध जिस प्रकार यकृत से, उस प्रकार इसमें चार विकल्प में से किसका संबंध किससे है? बताइए। देखिए, डायलिसिस अपोहन गुर्दा में नहीं, ददोरा त्वचा, कल्पना मस्तिष्क, वैलेंटाइन हृदय। तो यहां पे याद रखिएगा कि जो ददोरा होता है ये त्वचा पे पड़ता है। जिस प्रकार पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होता है, उसी प्रकार ददोरा जब पड़ जाता है उससे त्वचा पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, त्वचा प्रभावित होती है। बी वालों के जवाब सही हैं, ये GSG के जोड़कर भी आपका बना दिया है रीजनिंग, ठीक है। यदि कक्षा में आप ऐसी स्थिति में है कि विद्यार्थी आपको धमकाते या परेशान करते हैं तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे आप लोग फटाफट कमेंट करके। सीटेड टाइप का सवाल दे दिया है, विद्यार्थी कक्षा से बाहर जाने के लिए और परामर्शदाता के पास जाने के लिए कहते हैं, उसका विरोध करते उसे माफी मांगने कहते हैं, गलत, उसकी अपेक्षा करते पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये भी गलत, अपने विद्यार्थी से बात करने का समय लेते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको डी वाला काम करना है, माने उसे बात करेंगे, भाई काहे धमका रहा है, काहे मार रहा है बताइए। अभी कुछ लोग होते हैं, कुछ चैनल वाले होते हैं, कुछ संस्थान वाले होते हैं, आते हैं कभी कि चैनल के बीच में ही हमको भी धमकाने चमकाने लगते हैं, तो ऐसे भौंकने वालों से हमें बचना चाहिए, ठीक है। चमन टाइप के लोग होते हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, बस अपने काम पर प्रेशर रखना चाहिए। सिलेक्शन जो देना आपको सरकारी नौकरी तक पहुँचाना है ना, उन चमन के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि आप रेस के घोड़े हैं और रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, गधे तो हैं नहीं कि गधों के पीछे भागेंगे। आप लोग को सरकारी नौकरी करनी है, ठीक है, आप सब भगवान करें ऐसे ही बने रहिएगा, यकीनन नौकरी आपके कदमों में आएगी। दिए गए विकल्पों में से विषम माने कौन सा अलग है वही निकालना है आपको, तलवार, भाला, बंदूक, कटार, एकदम सरल सवाल है, जवाब दीजिएगा, बताइए सभी लोग बताइए बताइए सभी लोग सब तलवार, भाला, कटार, ये देखिए आधुनिक है, ये आधुनिक हथियार है, ठीक है, ये आधुनिक हथियार, बाकी परंपरागत अधिकार हथियार है, बाकी जो परंपरागत हथियार हैं ये आधुनिक हथियार हैं। और अभी कहा जाए तलवार है, कटार है, बंदूक है, लेके मारा जाता है, भाला फेंक के मारा जाता है, ठीक है, कटार को कटारी कहते हैं, ये लेकर मारा जाता है हाथ में लेकर, बंदूक हाथ में लेकर, तलवार भाला फेंक कर मारा जाता है, ये अलग अलग जवाब लोगों के आएंगे, कुछ लोग बी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे परंपरागत और आधुनिक हथियार से हैं, ठीक है, भाला फेंक कर मारते हैं, अस्त्र और शस्त्र वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपको बंदूक होगा कि आधुनिक है ये, ठीक है, बाकी परंपरागत है। अगला सवाल आपके सामने है कि यदि दो दिन पहले 9 नवंबर
14 तारीख थी और रविवार दिन था, तो आने वाला कल क्या होगा? ये इतना आसान सवाल है, कभी नहीं मिलेगा। बताइए, दो दिन पहले 9 नवंबर को रविवार था, ठीक, तो आज क्या होगा? दो दिन बाद रविवार है, सोमवार मंगल, माने आज मंगलवार होगा। कह रहा तो आने वाला कल क्या होगा, अभी आज मंगलवार है तो आने वाला कल क्या होगा? सीधी सी बात है, बुधवार होगा। बुधवार माने कौन सा दिन होगा? तो भैया दो दिन हुआ या मंगलवार, तीन हो गया, अब आएंगे बुध, तो हो जाएगा 13 नवंबर बुधवार, 13 नवंबर बुधवार, सॉरी 13 कहाँ होगा, 12 होगा, 12 12 12 12 12 12 12 नवंबर, 9 3 12 12 नवंबर बुधवार। आज मंगलवार है तो दो दिन पहले था, नवंबर था तो 9 10 11, आने वाला कल तो 12 तारीख, 12 नवंबर 2014 को बुधवार होगा, इसके बाद का दिन ये 11 होगा, ये 12 होगा। दिन में कितनी बार घड़ी सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, बताइए 12 घंटे में 11 बार, फिर 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 22। डी वालों का सही जवाब, डी वालों क्या होगा, एकदम सही जवाब होगा, ठीक। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट करके पूछ ले। सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? किसी के मन में कोई डाउट नहीं है ना? स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें। चलिए, यहाँ कह रहे किसी भी कूट भाषा में ये फला को फला कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा सभी लोग। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले लें, और हम चाहते हैं जितने लोग वीडियो को देख रहे सभी लोग नोट्स प्राप्त कर लें। सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, नोट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है, किताबें सब खरीदते हैं, लेकिन यह आपकी अगर एक प्रश्न भी इससे फायदा हो गया तो सिलेक्शन का जो सफलता का दायरा होता है ना, पॉइंट में होता है। मेरी क्लास निःशुल्क चलती है जौनपुर जनपद के सिराजा इनसे, जौनपुर जनपद से, तो मोस्ट वेलकम है। अच्छा, फिर मैं रिपीट कर दूंगा कुछ देर के बाद, चलिए मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, पढ़ाने के बाद मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यदि टीचर को ये लिखा जाए, मैंने टीचर का अगर हम डिकोड करें हमें क्या मिलता है, टीचर हमारा ये 20 हो गया, 20 5 1 3 8 5 18, ये 22 7 3 5 10 7 20, हमने देखा 20 22 है, 5 का 7 है, यहाँ पे देखिए प्लस 2 ऐड किया है, लास्ट में 18 का 20 है, तो आप भी प्लस 2 ऐड करिए, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रेन है, माने इसको अगर हम डिकोड करें तो 3 8 9 12 4 18 5 14, माने 3 2 5 5 10 11 14 छः 20 7 16, पाँच पर माने ई जे के एन एफ टी जी पी, बताइए इसमें क्या है? जहाँ पे मिल जाए वही आपका जवाब है, जी हाँ, प्लस दो किया है, प्लस दो ऐड किया सब में। ठीक है, अब देखिए 22 फरवरी 2021 को डीआरडीओ ने कहाँ से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के दो सफल परीक्षण किए थे, चांदीपुर जैसलमेर कोचिन। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जितने भी मिसाइल के परीक्षण होते हैं वो चांदीपुर से होते हैं, कहाँ से होते हैं, चांदीपुर। मिसाइल जितने परीक्षण होते हैं वो कहाँ से होते हैं, चांदीपुर। कहाँ पर है, चांदीपुर में होंगे या अब्दुल कलाम द्वीप से होंगे, या तो कहाँ होंगे, ए पी जे अब्दुल कलाम कलाम द्वीप, और ये मिसाइल जितने भी होंगे ये दो ही जगह से होते ही हैं। तो आप यहाँ प्रश्न चांदीपुर, चांदीपुर कहाँ, उड़ीसा का तट है, उड़ीसा तट पर, तो याद रखिएगा इसे व्हीलर द्वीप कहते थे। ठीक है, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आप सभी दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा, और सभी नोट्स वहाँ पे उपलब्ध हैं, सरकारी शिक्षक बनाने में काफ़ी मददगार होंगी, और जौनपुर जनपद से तो आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, हमारे सिराज हिंद की धरती पर, और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार आप लोग ऐसे क्लास पढ़ते रहिएगा, अपना बेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। डेली क्लास की लिंक होती है, अभी स्पेशल क्लास जो चल रही है उसे आप लोग नहीं पढ़ते, डेली क्लास पढ़िए, मोबाइल में अलार्म लगा के रखिए, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिए। तो जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया है, लाइक किया है, उन सभी का दिल से थैंक यू। बस अपना बेहतर देते रहिएगा, एक दिन सफलता के कदमों में जरूर होगी, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा और ऐप जरूर इंस्टॉल करते रहिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई मिलेंगी जो अन्य उत्तर प्रदेश के संस्थाओं में आपको नहीं मिलेंगी। क्योंकि सोच बड़ी रखिएगा, सफलता जरूर आपको बड़ी मिलेगी, बस मेहनत की न्यू में प्रतिदिन एक नई ईंट जोड़ते चलिएगा, एक दिन सफलता की वो मजबूत इमारत बनेगी जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, बाय बाय। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।